नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह, आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। अगले घंटे में हम आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ ही देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश विदेश की 20 बड़ी खबरें T20 न्यूज। चौथे फेज के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार, 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर 13 मई को डाले जाएंगे वोट। अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर जश्न में डूबी आम आदमी पार्टी, तिहाड़ जेल से सीएम के घर तक भव्य स्वागत, जगह जगह की गई फूलों की बारिश और आतिशबाजी। आज से चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दक्षिणी दिल्ली से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के लिए करेंगे रोड शो, भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस ने भी गलतियां की, आने वाले वक्त में बदलनी होगी राजनीति, 180 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी बीजेपी, ये दावा किया। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा इस बार नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, यूपी में INDIA गठबंधन का तूफान। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, कहा 200 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के लिए मोदी जी की सनक। कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा लोग खड़े खड़े हार्ट अटैक से मर रहे हैं, मोदी सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भी चंदा लिया। अक्षय बम और उनके पिता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, 17 साल पुराने मामले में जारी वारंट, हाल में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे अक्षय बम। मतदान प्रतिशत को लेकर खड़गे की चिट्ठी पर चुनाव आयोग की कड़ी फटकार, आयोग ने चिट्ठी को चुनाव संचालन पर हमला करार दिया। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का तीखा बयान, कहा राम के नाम पर वोट मांगने वाले रावण को दिल्ली भेजने की तैयारी कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले दुनिया में भारी उथल पुथल की आशंका, देश की कमान मजबूत हाथों में होना जरूरी। जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर अलर्ट जारी, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही नजर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुठभेड़ के दौरान 12 नक्सली ढेर, सीएम विष्णुदेव साय ने दी जानकारी, कहा नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई जारी। राजस्थान के जयपुर में लवजियात का मामला आया सामने, सलमान नाम के आरोपी ने कई लड़कियों को फंसाया, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में डिजिटल अरेस्ट का मामला आया सामने, 46 लाख रुपए की हुई ठगी, आरोपी ने खुद को बताया था क्राइम ब्रांच का अधिकारी। दिल्ली में कई जगह गिरे पेड़, तेज हवा की वजह से यातायात रहा प्रभावित, पेड़ को रास्ते से हटाने का काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में हुई जोरदार बारिश, पूरे शहर की रही बिजली गुल, 3 दिन तक रहेगी बारिश की संभावना। टाटा मोटर्स का सालाना मुनाफा 1000% बढ़ा, कंपनी का भारतीय कारोबार कर्ज मुक्त, 6 रुपए प्रति शेयर के लाभांश का ऐलान। कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस की आज होगी टक्कर, ईडन गार्डन्स स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला, प्लेइंग 11 में बदलाव संभव। नीरज चोपड़ा को दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल, याकूब वातलिच ने 0.02 मीटर पीछे रहा बेस्ट थ्रो, किशोर जेना नंबर 9 पर रहे।